ख्वाहिशों से कहाँ गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। सिर्फ ख्वाहिशों से कहाँ गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा मुसीबतों से डरने से, अरे कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं UP LT ग्रेट 2021 प्रिपरेशन सीरीज नंबर 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करें और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। और आज के सेकंड पार्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं यूनान के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पार्ट को कवर करते हुए आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, दैट इज होमर पीरियड। बात की जा रही है होमर पीरियड की, और जिसे ग्रीस पीरियड के नाम से यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनान का इतिहास जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होमेरिक पीरियड, होमर काल, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस पीरियड एंड लेटर एथेंस पीरियड में इसे डिवाइड किया गया है। और यूनान के इतिहास के साथ साथ आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, हिस्ट्री ऑफ स्वीडन एंड हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होमेरिक पीरियड से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कि वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया, तो ग्रीस। देन सेकेंड, अरस्तु एंड प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो ग्रीस से है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलियड तथा ओडिसी नामक कविताएं या जो दो महाकाव्य लिखे गए थे होमर पीरियड में, वो किसके द्वारा लिखे गए थे। तो आप सभी को पता है कि होमर एक नेत्रहीन कवि था और उन्होंने दो महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी की रचनाएं की थी। ओके, और होमर को देश का गुरु यानी एजुकेटर ऑफ ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम जो है वो किस काल के शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था, तो होमरिक पीरियड में ही जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो था वो मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम था। ओके, और साथ ही साथ अब आपको हम स्पार्टा पीरियड के बारे में भी बता देते हैं कि ताना शाह शासन ग्रीस के किस काल में था, तो स्पार्टा पीरियड की बात ही यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था किस पीरियड में, तो स्पार्टा पीरियड में ही कहा जाता था, और इसे क्लासिकल एज के रूप में भी जाना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था, हमने आपको बता दिया कि मैन ऑफ एक्शन था, जो कि होमर पीरियड में भी मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम के रूप में जाना जाता था। लेकिन देखिए शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्पार्टा पीरियड से रिलेटेड, वो क्या है कि स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था, तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगोग के रूप में जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तो इरेन के नाम से जाना जाता था। जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था, तो बिबासियस के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो प्लेटन स्टार्स के रूप में उसे जाना जाता था। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिए कि एगोग शिक्षा पद्धति, यहाँ पे बात की जा रही है कि स्पार्टा काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, एगोग शिक्षा प्रणाली के पर्यवेक्षक को किस रूप में जाना जाता था, कोऑर्डिनेटर को, तो पेडोनोमस के रूप में जाना जाता था। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो एथेंस काल में जो शारीरिक शिक्षक होते थे उन्हें पेट्रोडाइप के रूप में जाना जाता था। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि
पेडोनोमस का संबंध किस काल से है? रोम काल से, एथेंस काल से, होमर काल से या स्पार्टा काल से? तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, तो आप एकदम यहाँ पे कंफर्म हो जाइए, क्लियर कर लीजिए कि पेडोनोमस मीन्स स्पार्टा पीरियड और पेट्रोडाइट मीन्स जो होता है वो पूर्व एथेंस काल के शिक्षक को जाना जाता था। अब देखिए, खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को एथेंस पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो पेलेस्ट्रा के नाम से। और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि स्पार्टा पीरियड में अगर पूछा जाए कि खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता था, तो प्लेटेनिस्टास के नाम से जाना जाता था। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करते चलिए। अब देखिए, संगीत के विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? डिडास्केलियम के नाम से जाना जाता था। ओके, देन देखिए, आपको ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से आपको पता है कि बॉल से संबंधित शिक्षक को स्फेरिस्टस और जेबलिन से संबंधित शिक्षक को एकोनिस्टिस के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं और इनके पूछे जाने के एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है कि जो पान हेनलिक उत्सव आयोजित किए जाते थे एथेंस पीरियड में, उसमें कौन कौन से खेल मुख्य रूप से शामिल होते थे। तो कौन से चार मुख्य खेलों को शामिल किया जाता था? ओलंपिक, पाइथियन, स्थीमियन एंड नीमियन, इन चार खेल समारोहों को शामिल किया जाता था पान हेनलिक खेल समारोह में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले हम इन सब के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी एक का नाम लेके आपसे कई कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस जगह पे आयोजित होते थे, किस देवता के समक्ष आयोजित होते थे, कितने वर्षों में आयोजित होते थे और उस देवता को अन्य किस रूप में जाना जाता था। तो इन सभी रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं, जिन्हें की प्राचीन ओलंपिक गेम्स के रूप में भी आप जानते हैं, जिनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व 776 बीसी में की गई थी और इनका जो आयोजन है वो 5 दिनों तक किया जाता था और प्रत्येक 4 वर्षों के दौरान इनका आयोजन किया जाता था। हर 4 वर्ष में ये आयोजित होते थे। अब कहाँ आयोजित किए जाते थे? तो ओलंपस पर्वत पे, ओलंपिया पर्वत पे इनका आयोजन किया जाता था। किस देवता के समक्ष किया जाता था? तो जीएस देवता, यानी कि गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई के समक्ष इनका आयोजन हर 4 वर्षों में ओलंपिया नामक जगह पे किया जाता था। अब बात करते हैं पाइथियन गेम्स के बारे में, कि पाइथियन गेम्स जो थे वो डेल्फी पर्वत पर आयोजित होते थे, अपोलो देवता के समक्ष आयोजित होते थे और अपोलो देवता को सूर्य देवता के रूप में भी जाना जाता था और हर 3 वर्षों में इनका आयोजन होता था। देन बात कर लेते हैं स्थीमियन की, तो स्थीमियन खेल समारोह, सॉरी स्थीमियन खेल जो थे वो कोरिंथ पर्वत पर आयोजित होते थे पोसिडन देवता के समक्ष। किसके समक्ष? पोसिडन देवता के समक्ष आयोजित होते थे, जिन्हें की समुद्र देवता यानी गॉड ऑफ सी के रूप में भी जाना जाता था और इनका आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता था। और अंत में हम बात करते हुए चलते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं नीमियन समारोह के बारे में, सॉरी नीमियन खेल के बारे में। ये सभी पान हेनलिक समारोह में ये 4 प्रकार के खेल शामिल किए जाते थे। तो जो नीमियन थे वो ऑर्गेलिस पर्वत पर आयोजित होते थे और आकाश देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे, यानी कि जीएस देवता के समक्ष इनका आयोजन किया जाता था और ओलंपिक गेम्स की तरह हर 4 वर्षों में ही इनका आयोजन भी किया जाता था। तो अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं और आप फटाफट जवाब देते चलिए दोस्तों, कि स्थीमियन खेल कहाँ आयोजित होते थे? कोरिंथ पर्वत पर। पोसिडन यानी कि गॉड ऑफ सी देवता के समक्ष आयोजित होते थे। नीमियन अर्गलिस पर्वत पर, जीएस देवता आकाश देवता के समक्ष। जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को किस नाम से जाना जाता था? तो गेस्टिकुलेशन के नाम से जाना जाता था। किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको 1 मार्क जरूर दिलाएगा। उत्तर एथेंस काल, पोस्ट एथेंस पीरियड को खेलों के लिए स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। देन किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को ना देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाना है? सुक्रात। देन किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? तो प्लेटो का कथन है। और मेडिकल जिम्नास्टिक के पितामह के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। और पहले ही हमने आपको ये सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अब आप बताइए कि जो पाइथियन खेल है वो कहाँ आयोजित होते थे? डेल्फी पर्वत पे और अपोलो यानी कि
सूर्य देवता के समक्ष इनका आयोजन किया जाता था। ओलंपस की रानी हेरा, आकाश देवता जीएस, समुद्र देवता पोसिडन, सूर्य देवता अपोलो, पृथ्वी की रानी डेमिटर और अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे तो अरस्तु के, और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस, और साथ ही साथ वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है तो होमर कवि के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर रोम पीरियड, और रोम पीरियड की तरफ मूव करने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और फ्रेंड्स वीडियो को, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपका रिवीजन होता है, आपको समझ आता है तो आप वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे और भी ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जब आप अपने पॉजिटिव व्यूज लिखते हैं कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें देख के एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट बेटर वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट्स मूव टू रोम पीरियड, हिस्ट्री ऑफ रोम पीरियड नाउ, कि रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो रोम के निवासियों को ओरेटर के नाम से जाना जाता था, और जो लेखक जो इस पीरियड में पाया गया उसे किस नाम से जाना गया तो डेलन के नाम से, और 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता था तो कैंपस मार्टियस की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष व्यायामशाला कैंपस मार्टियस थी, और इसका नाम युद्ध के देवता यानी कि मार्स के नाम पर रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ देखिए जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ग्लैडिटोरियल कंबाट यानी कि तलवारबाजी से रिलेटेड जो प्रतिस्पर्धा है वो कहाँ पे आयोजित की जाती थी, तो कहाँ पे आयोजित की जाती थी, वो रोम पीरियड में ही आयोजित की जाती थी। ओके लेट्स मूव टू लेटर रोम पीरियड यानी कि उत्तरार्ध रोम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था। तो हेलेनिक पीपल के रूप में जाना जाता था, और क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे, और मेडिकल स्टूडेंट जिसने एक्सरसाइज और डाइट के बारे में लोगों को बताया था गैलेन की बात की जा रही है। और अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज में कि प्राइमरी लेवल के विद्यालय को उत्तर रोम पीरियड में किस नाम से जाना जाता था। तो बात की जा रही है स्कूल ऑफ लिटरेचर यानी प्राइमरी विद्यालय के लिए, और अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था तो क्या कहा जाता था, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स के नाम से जाना जाता था। ओके देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन कि तलवार युद्ध कहाँ होता था। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो ग्लैडिटोरियल कंबाट था वो कहाँ पे मेनली आयोजित किया जाता था, रोम पीरियड में, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ग्लैडिटोरियल कंबाट आयोजित होता था वो किस जगह पे, इसका आयोजन किस स्थान पे किया जाता था, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो एम्फीथिएटर के रूप में उसे जाना जाता था। ओके और कोलेजियम यानी कि थर्मा फॉर बाथ कहाँ पाया जाता था, कहाँ प्रसिद्ध था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कोलेजियम जो है वो रोम के मध्य इटली में स्थापित था, जिसे फ्लेविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना गया था, और ये रोम में ही प्रसिद्ध था। और किस युद्ध के देवता की पूजा की जाती थी, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो कैंपस मार्टियस थे जो सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए जाते थे, बनाए जाते थे, वो मार्स यानी युद्ध के देवता मार्स के रूप में जाने जाते थे। ओके फ्रेंड्स और एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो हम आपको बताते हुए चलते हैं कि कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ जो है वो कहाँ पे प्रचलित था। तो इसका जो एकदम सॉलिड आंसर है वो है एथेंस से इसका संबंध है। मड बाथ का संबंध किस पीरियड से है, तो एथेंस पीरियड से इसका संबंध है। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, जर्मनी के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हुए चलते हैं कि गट्स मत, तो अगर नाम लिया है हमने गट्स मट्स का, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हु इज नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक यानी जर्मन जिम्नास्टिक के ग्रैंड फादर के रूप में किसे जाना जाता है, तो गट्स मट्स को ही जाना जाता है। और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड गेम्स नामक पुस्तकों पर किसने लिखा है इन दो पुस्तकों को, तो गट्स मट्स नामक विद्वान ने लिखा है। और जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को लाने का श्रेय किसका है, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन का है।
और साथ ही साथ आपको बता दें फ्रेंड्स कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन यानी कि लुडविग जॉन को फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है। ओके और टर्नवेरियन मूवमेंट, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जर्मनी हिस्ट्री से रिलेटेड कि टर्नवेरियन मूवमेंट की स्थापना या का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो लुडविग जॉन जी के द्वारा ही किया गया था। ओके और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी के रूप में किसे जाना जाता है, तो जॉन बर्नार्ड बेस्टो को ही जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे आपको देख के पता चल गया होगा कि रूसो के नक्शे कदम पर चलते हुए, रूसो यानी कि आपको पता है कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद के जो संस्थापक थे, तो रूसो के नक्शे कदम पर चलते हुए यानी प्रकृतिवाद की धारणा को फॉलो करते हुए तो जर्मनी के डेशो नामक स्थान पे 1774 में जो एक विद्यालय बनाया गया था तो उसका नाम क्या था, तो क्या था आपको बता दें, फिलेंथ्रोपियम। किस नाम से उसे जाना गया, फिलेंथ्रोपियम के नाम से उसे जाना गया। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फिलेंथ्रोपियम के जो पहले प्रथम शारीरिक शिक्षक थे तो वो कौन थे जिन्होंने विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक मनोरंजन तथा शारीरिक क्रियाओं के बारे में बताया, जिन्होंने स्कूल को एक घंटा सुबह दो घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया यानी बच्चों में शारीरिक क्रियाओं के प्रति जो जागरूकता लाई वो किस, वो कौन है, तो वो जॉन साइमन के रूप में उन्हें जाना जाता है। ओके प्रथम शारीरिक शिक्षक जो कि फिलेंथ्रोपियम के रूप में जिन्हें जाना जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्वान था जिसने फिलेंथ्रोपियम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर स्नेपथेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला था, तो क्रिश्चियन गोथेब साल्जमैन की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह जर्मनी में किसे कहा जाता है, तो जॉन बर्नार्ड बेस्टो को, और ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स को जाना जाता है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जर्मनी हिस्ट्री से रिलेटेड कि टर्न प्लाज नाम जो है लुडविग जॉन ने किसे दिया था या टर्न प्लाज की स्थापना किसने की थी, तो लुडविग जॉन ने ही टर्न प्लाज की स्थापना की थी। और ये टर्न प्लाज क्या था, तो यह एक आयताकार मैदान था जिसके अंदर बैलेंस बीम हॉरिजॉन्टल बार ट्रैक आदि करवाया आदि बनाया गया था। जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो लुडविग जॉन ने। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल किसने लिखा, तो एडोल्फ स्पीज ने। और अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता डेनमार्क में किसे जाना जाता है, तो फ्रेंच नेस्कॉल को जाना जाता है जो कि गट्समट्स के अनुनायी यानी फॉलोअर के रूप में जिन्हें जाना जाता है। और डेनिश जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ, तो सभी को पता है डेनिश जिम्नास्टिक यानी डेनमार्क में ही ये प्रचलित हुआ था। लेट्स मूव टू हिस्ट्री ऑफ स्वीडन। बस थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को उच्च दर्जा दिए जाने में किसका मुख्य योगदान था, तो पान हेनरिक लिंग। और पान हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने समूहों में बांटा, तो चार समूहों में, जिसमें एजुकेशनल मिलिट्री मेडिकल जिम्नास्टिक को शामिल किया गया है। और फॉर्म गिविंग मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो पान हेनरिक लिंग के द्वारा दिए गए थे। और पान हेनरिक लिंग का संबंध किस पीरियड से है, तो स्वीडन पीरियड से है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो पान हेनरिक लिंग की याद में 1939 में और 49 में उनके बरसे के दिन जो समारोह आयोजित किए गए थे उन्हें किस नाम से जाना गया, तो लिंगयार्ड के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1939 में स्टॉकहोम में पान हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई जिसे फर्स्ट लिंगयार्ड के नाम से जाना गया। 1939 वाले को फर्स्ट लिंगयार्ड और 1949 को सेकेंड लिंगयार्ड के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हनुमान व्यायामशाला प्रचारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी इस पद्धति का आयोजन किया था, तो 1949 सेकेंड में। ओके अब नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ओलंपिक मशाल को एथेंस से लेके और आयोजन स्थल तक ले जाने का श्रेय
किसने शुरू किया? तो एडोल्फ हिटलर ने प्रथम बार प्रचलन शुरू किया। ओलंपिक समिति का मुख्यालय आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेडास्केलियम यानी कि संगीत विद्यालय। गॉड ऑफ हीलिंग यानी कि जीएस देवता, जिन्हें आकाश देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेजियम यानी एरिस्टोटल। कैंपस मार्टियस यानी कि सैनिक मैदान। देन स्पेशल ओलंपिक्स यूएसए में हुए थे फर्स्ट टाइम। टर्न मेरियन मूवमेंट लुडविग जॉन के द्वारा बताया गया इनके बारे में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953, SGFI 1954। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज। ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि प्रीवियसली हेल्ड सभी एग्जाम्स में जिनको एज इट इज पूछ लिया गया था। तो इनको रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें कि अतिरिक्त शक्ति की धारणा का सिद्धांत यानी कि सरप्लस एनर्जी वॉज प्रपोज्ड बाई हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया था। शीलर एंड स्पेंसर। देन एंटीसिपेटरी यानी कि भविष्यवर्ती धारणा का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल गूज ने। रिक्रिएशनल थ्योरी यानी कि मनोरंजनात्मक धारणा लॉर्ड केम्स एंड जी एन डब्ल्यू पैट्रिक। रिकैप्टुलेटरी थ्योरी यानी कि पुनः अवलोकन धारणा का सिद्धांत स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया। साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉयड। और सोशल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो अरस्तू ने दिया। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर रिवाइज करिए इनको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आप वीडियो को क्लोज करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने और पॉजिटिव व्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट बेटर और यूजफुल कंटेंट के साथ वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।